को तारा, आप इसलिए बड़े हो, अयोध्या को साके दाम ले गए, लेकिन प्रभु आपका नाम तो संसार को तार देता है, इसलिए आपसे बड़ा तो आपका नाम है। आइए जरा नाम महिमा पर चलें। प्रसंग उस समय का है जिस समय जानकी जी की खोज लग रही थी। जानकी की खोज कौन लगाएगा? जो 100 योजन के सागर को पार करके जाएगा। एक योजन बराबर 4 कोस, एक कोस बराबर 3 किलोमीटर, 100 योजन बराबर 1200 किलोमीटर। 1200 किलोमीटर का समुद्र बीच में है और हनुमान जी ने एक ही बार में कह दिया कि मैं इसे पार कर जाऊंगा। हनुमान जी ने किस भरोसे पर कहा कि मैं इसे पार कर जाऊंगा मालूम है आपको? हनुमान जी के पास वो राम नाम की अंगूठी थी, उसके भरोसे पर कहा। और हनुमान जी ने उस अंगूठी को अपने मुख में लिया और एक बार कहा जय श्री राम और समुद्र के दूसरी पार चले गए। तुलसीदास जी हनुमान चालीसा में कहते हैं, 12 ग्रंथों में हनुमान चालीसा भी तुलसीदास जी का ही ग्रंथ है। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माई, प्रभु मेल मुख माई, जल दे प्रभु मोरे का मेल मुख माई, प्रभु मोरे का मेल मुख माई, मेल मुख माई, मेल मुख माई, मेल मुख माई। जब हनुमान जी उस मुद्रिका के सहारे उस सागर को पार कर सकते हैं तो क्या हम सभी राम नाम के सारे भवसागर को नहीं पार कर सकते? एक भैया ने प्रश्न कर दिया हमसे, बोले महाराज झूठ बोलना बहुत अच्छा आता है आपसे। मैंने कहा वो कैसे? बोले आप कह रहे हो कि हनुमान जी मुद्री के सहारे पार हो गए। अरे मुद्री तो जानकी जी को दे दी, पल्ली साइड से कैसे आए? बोलो राधे राधे। लेकिन ये चेला कहीं मात खाने वाला नहीं है, प्रभु मुदरी यह पार किया और चूड़ा मड़ी उह पार, राम कृपा लंका जली सब ही कृपा तुमार। मैंने कहा भैया पल्ली साइड से माता रानी ने अपनी चूड़ा मड़ी दे दी थी तो पल्ली साइड से चूड़ा मड़ी के सहारे लौटा। अब बोले महाराज तीसरा प्रश्न कर दिया कि इतनी बड़ी सेना कैसे पार हुई? भालू वानर पत्थरों को लाते थे, राम राम लिख करके डालते थे, पत्थर तैरने लग जाते थे। बड़ी सुंदर कथा। जब रावण की सेना ने ये देखा तो खलबली मच गई, हमारे बस की नहीं है युद्ध करना, अरे इस सेना में इतने इतने कुशल कारीगर के पत्थर भी तैर रहे हैं, हमसे युद्ध नहीं होगा। रावण ने कहा अरे मूर्खो ये राम का नाम थोड़े ही है। बोले फिर? बोले रामा ने रावण, मामा ने मंदोदरी। एक सैनिक बड़ा चतुर था, बोले आपका नाम तो मान लेंगे लेकिन जरा एक पत्थर को तुम भी तैरा के दिखाओ। अब रावण चक्कर खा गया, लेकिन था बड़ा विद्वान, क्योंकि ब्राह्मण था ना इसलिए विद्वान था, और ब्रह्म विद्या रावण ने प्रयोग कर दी। रावण ने पत्थर को लिया और उसके कान में कहा कि तुझे राम जी की सौगंध है जो तू जाकर के डूबे, और पत्थर को जैसे ही छोड़ा पत्थर तैरने लग गया। और इधर राम जी को लगा कि मेरे नाम से पत्थर तैर रहे हैं तो पत्थर को मैं छोड़ूंगा तो जल्दी पुल बनेगा। और राम जी ने जैसे ही पत्थर को छोड़ा कि पत्थर छोड़ते ही डूब गया। राम जी ने ऐसे करके देखा, कोई देख तो नहीं रहा, इंसल्ट का मामला था। अब हनुमान जी महाराज पीछे खड़े थे और हनुमान जी ने जो बात कही वो बात अच्छी लगे तो सभी की जोरदार ताली बजनी चाहिए। हनुमान जी बोले प्रभु शर्माओ मत। बोले हनुमान क्यों ना शर्माओ? बोले प्रभु
वास्तव में जिसे भगवान श्री राम पकड़े हैं संसार में वो ही तैर रहा है। अरे मानव की तो चले क्या, अगर पत्थर को भी राम ने छोड़ दिया तो वो पत्थर भी डूब जाएगा, तैरेगा वो ही जिसे राम जी। राम की महिमा स्वयं राम भी नहीं जानते। दो भाई थे धर्मचंद और करमचंद। आज तक आपने शायद राम नाम की महिमा नहीं सुनी होगी, लेकिन आज आपको मैं सुनाऊंगा। हाथ जोड़ के निवेदन है, क्योंकि आज बारिश की वजह से एक घंटा हमारा बीच का बिगड़ चुका है, कथा का पूरा स्टेज सारा कुछ दोबारा लगाया गया है, इसलिए आप 10 मिनट आज मेरे को फालतू देंगे, 50 मिनट फिर भी मैं कम ले रहा हूं, केवल नाम महिमा पूरी सुने आज। दो भाई थे धर्मचंद और करमचंद। करमचंद बड़ा पापी, धर्मचंद बड़ा धर्मात्मा। करमचंद कभी भगवान का भजन नहीं करता था। एक बार उसने भूल से राम जी का नाम ले लिया, वो भी एक संत के बार बार निवेदन करने से, और संत ने उससे कहा था कि तू अपने इस राम नाम को कभी भी बेकना मत, ध्यान से सुनना। कालांतर में करमचंद मर गया। मरने के बाद यमराज के यहां पहुंचा, यमराज ने उसका खाता खुलवाया, सारा का सारा खाता रंगा हुआ था। यमराज ने कहा दोबारा खोलो, तो बोले महाराज एक बार इसने राम का नाम लिया है। अब यमराज ने कहा एक बार राम नाम का इसे क्या फल दिया जाए, चारों तरफ अपनी किताबों को पलटा कि एक राम नाम का फल क्या है, कीमत क्या है, लेकिन राम नाम की कोई कीमत मिली ही नहीं। यमराज ने उस जीवात्मा से कहा देखो तुमने पाप किए हैं, पहले पाप भोगोगे या पुण्य? पुण्य तुमने एक किया है, केवल एक बार राम का नाम लिया है। जीवात्मा ने कहा मैं पुण्य भोगूंगा पहले। तो एक राम के नाम के बदले आप हमसे कुछ भी मांग सकते हो, एक राम नाम की कीमत तो हमें मालूम नहीं है। करमचंद ने कहा श्रीमान जी पहले मुझे मेरे राम नाम की कीमत बताओ, तभी तो मैं तुमसे कुछ लूंगा उसके बदले, फिर अपनी चीज की कीमत बनाना। भाई कोई किसी के पास गेहूं लेके जाए तो पहले गेहूं की कीमत आंकी जाएगी, फिर उसके पैसे मिलेंगे, फिर उससे वो कोई दूसरी वस्तु लेगा, वही हुआ। यमराज ने कहा भाई हमें तो राम नाम का नाम का मूल्य मालूम नहीं। अच्छा ऐसा करते हैं ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, शायद उन्हें राम नाम का मूल्य मालूम होगा। करमचंद ने कहा ऐसे नहीं चलूंगा। बोले पहले अपनी पद्धी पे बिठाओ तब चलूंगा। जीवात्मा को पद्धी पर बिठाया, ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी को सारी बात बताई। ब्रह्मा जी ने कहा देखो सृष्टि को उत्पन्न करना मेरा काम है, लेकिन राम नाम का मूल्य तो मैं भी नहीं जानता। ब्रह्मा जी बोले ये जानना परमावश्यक है, ऐसा करते हैं भोले बाबा के पास चलते हैं। उसने कहा मैं ऐसे नहीं चलूंगा। बोले फिर? बोले ब्रह्मा जी और यमराज दोनों पालकी मंगाएं और उसे अपने कंधे पर उठाएं तब चलूंगा। ऐसा ही हुआ। नारद जी भी आ गए, नारद जी पालकी में लग गए, यहां तक कि शंकर जी के पास पहुंच गए, लेकिन शंकर जी ने भी यही उत्तर दिया कि मैं तो राम नाम जपता रहता हूं पर उसका मूल्य तो मुझे भी मालूम नहीं, सूक्ष्म में लेकर के चल रहा हूं। अंततः सभी ने विचार किया कि राम जी के पास चलते हैं जिनका ये नाम है, कम से कम उन्हें तो इस नाम की कीमत मालूम होगी। जीवात्मा ने कहा ऐसे नहीं। बोले फिर? बोले भोले बाबा कैसे बच रहे हैं, इनको भी पालकी में जोतो। भोले बाबा भी पालकी में जुट गए और राम जी के पास सारे के सारे देवता पहुंच गए। राम जी बड़ी जोर से हंस पड़े और हंस करके कहा इस जीव को पहले नीचे उतारो, और उतार करके राम जी ने अपनी गोदी में उसे बिठा लिया। और राम जी क्या बोले मालूम है? देखो इस जीव ने इतने पाप किए, केवल एक बार मेरा नाम लिया, और उस एक नाम से पहले इसने यमराज के दर्शन किए, उनकी पिद्दी पे चट्टू खाया, उसके बाद ब्रह्मा जी के दर्शन किए, उनकी पिद्दी पर भी बैठा, उसके बाद नारद के दर्शन किए, शंकर जी के दर्शन किए और सभी की पद्दी पे चट्टू खाया, आज मेरी गोदी में ये बैठा है, ये मेरे राम नाम का ही तो प्रताप है। वास्तव में मेरे नाम की अगर आप कीमत जानना चाहते हो तो अपने नाम की कीमत तो मैं भी नहीं जानता। बोलो राधे। तभी तो कहा
राम न सकही नाम गुण गाही, राम न सकही नाम गुण गाही, राम न सकही राम गुण गाही, कहाँ है